नमस्कार, खबरें जरा हटके में आप एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो रेलवे स्टेशन की दीवारों को मानती है अपना पति। एक ऐसी औरत जिसकी मानसिक हालत पूरी तरह से ठीक है। क्या वो कह सकती है कि रेलवे स्टेशन से उसने शादी कर ली है? भले ही इस बात पर आपको भरोसा न हो, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। कैलिफोर्निया की रहने वाली 46 साल की एक औरत जब 9 साल की थी, तभी से उसे रेलवे स्टेशन से लगाव हो गया था। 36 सालों तक इंतजार करने के बाद उसने स्टेशन को अपना पति माना। आखिर ऐसा क्या खास है स्टेशन में? जब वह 9 साल की थी, तभी से हर रोज कैलिफोर्निया के संता फे ट्रेन स्टेशन पर आया करती थी। उन्हें वहां की दीवारों से प्यार हो गया था। वे दीवारों को गले लगाकर चूमती थी। कुछ समय बाद कैलिफोर्निया छोड़कर किसी और शहर में शिफ्ट हो गई, लेकिन उनका प्यार तब भी कम नहीं हुआ। 36 सालों के इंतजार के बाद जब वे कैलिफोर्निया वापस लौटी, तो उसे स्टेशन की याद आ गई। यहाँ तक कि उसने गूगल पर भी अपना पुराना प्यार सर्च किया। उस औरत का कहना है कि स्टेशन की दीवारों को छूते ही मुझमें एनर्जी आ जाती है, मैं बहुत रोमांटिक महसूस करती हूँ। हालांकि 6 महीने तक मैं रिलेशनशिप में रही, लेकिन वह स्टेशन हरदम उसके सपने में आता रहता था। मैं अब भी उस स्टेशन से बेहद प्यार करती हूँ, उसकी दीवारें मुझे जिंदा और फ्रेश फील कराती है। मैंने मन में ही इस स्टेशन को अपना पति मान लिया है। ये स्टेशन मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट पार्टनर है, मैं उसकी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। उनका यह भी मानना है कि मैं उस स्टेशन पर रोज आया करती हूँ। मुझे बस से आने में 45 मिनट लगते हैं। मैं रोज सुबह आती हूँ और रात तक यही रहती हूँ। अब जैसा ये औरत बोल रही है, उस हिसाब से लगता है कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। लेकिन उनकी स्टोरी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही है।